हेलो स्टूडेंट, अभी डीयू ने जैसे अपनी प्रेस रिलीज डिक्लेयर की थी, वैसे ही जेएनयू ने भी अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो आप सभी लोग जो कि यूजी प्रोग्राम या पीजी प्रोग्राम के लिए जेएनयू के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग इस न्यूज को या इस इंफॉर्मेशन को केयरफुली सुनिए मेरी, जो मैं बताने वाला हूँ कि जेएनयू ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दिया है और उसके अकॉर्डिंग अब यूजी कोर्सेज के लिए और पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको वन बाय वन स्टेप बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझिए। आप सब लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है। और अगर हम जेएनयू की बात करें तो दिल्ली में जेएनयू यूनिवर्सिटी है और जेएनयू की रेपुटेशन बहुत हाई है। और जेएनयू में नॉर्मली यूजी और पीजी के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उन्हीं में एक प्रोग्राम एमसीए भी है, यानी एक टेक्निकल डिग्री भी है, और बाकी सब यूजी और पीजी के जो अलग अलग सिंपल बीए, बीकॉम, ऑनर्स, यूजी प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि आप जेएनयू की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन इस सेशन में मैं आपको दे रहा हूं और आपको सारी चीजें बता रहा हूं। आप जिस कोर्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसकी पहले एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जरूर देखिएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करिएगा, उससे रिलेटेड सारी चीज रीड करने के बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो जेएनयू का एग्जाम एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे जो आईआईटी के लिए या नीट के लिए कंडक्ट करता है। छोटी छोटी चीजें आपको सब पता चलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप जैसे ही गूगल पे जेएनयू लिखते हैं, आपको सबसे पहले खुलेगा jnu.ac.in, ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कुछ मत देखिएगा। और जैसे ही आप jnu.ac.in पे जाएंगे तो जेएनयू एडमिशन को क्लिक करिए। जेएनयू एडमिशन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेएनयू 2021-28/7। ठीक है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए, तो आपको एक प्रेस रिलीज मिलेगी, पब्लिक नोटिस। इसमें क्या दिया हुआ है वो ध्यान से सुनिए और कुछ बातें मैं और बताऊंगा इसके साथ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जेएनयू ने जो पब्लिक नोटिस निकाला है उसमें क्लियरली दिया है कि एग्जाम कब होगा। सबसे पहले तो ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट करेगा, 27 जुलाई को नोटिफिकेशन निकाला है, 27 अगस्त तक लास्ट डेट है, यानी पूरा पूरा एक महीना है फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर सुनिए, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 जुलाई टू 27 अगस्त, यानी आप 27 जुलाई से लेके 27 अगस्त तक आपके पास सफिशियंट टाइम है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब आपके मन में वो क्वेश्चन होगा, जैसे अगर आप निमसेट का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा आप 8 अगस्त के बाद ही फॉर्म भरें, चलेगा। फिर लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल की भी वही दी है, 27 अगस्त, यानी 27 अगस्त को फॉर्म फिल हो जाएगा, लास्ट सबमिशन है। फिर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम सितंबर में होगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं तो आप अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग डेट देखेंगे, जैसे 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर को एग्जाम होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा और सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब बात आती है कि आप किस कोर्स के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। तो सपोज जिस भी कोर्सेज के लिए इंफॉर्मेशन लेनी है, यहां पर आपको सीधा जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा, जो मैं आपको बताता हूं कि कैसे। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, ये देखिएगा, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, राइट, ये एक पेज खुलेगा जिस पर कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इसके इंडेक्स में देखिए कि अबाउट एनटीए क्या है, अबाउट जेएनयू क्या है, जेएनयू ईई क्या है, एंट्रेंस एग्जाम, जनरल इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन डिटेल, एग्जाम सेंटर, यानी सब कुछ इसमें है। तो ये आप जरूर पहले अच्छे से डाउनलोड करिए, अच्छे से रीड करिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्स की फी को लेके। तो देखिए, फी के लिए क्लियरली दिया हुआ है कि पीएचडी, एमटेक, एमपीएच, एमए, एमएससी, एमसीए, पीजी, एमसीए, इन सब के लिए अगर आपका सिंगल कोर्स ऑप्शन है तो जनरल कैटेगरी के लिए 530, एससी एसटी के लिए 310, बीपीएल मतलब ब्लू पावर लाइंस वाले बच्चे जो हैं वो उनके लिए 110 रुपीज। अच्छा, बीए ऑनर्स जो मैंने अभी बताया, बीएससी, एमएससी, इन सब के लिए भी यहां पर फी क्लियरली दी हुई है, यानी आपको जो कुछ है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में काफी डिटेल में मिलने वाला है, इसलिए आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। मैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, एक प्रॉपर लिंक बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ ये सारे लिंक भी शेयर कर दूंगा जिससे कि आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पढ़ पाए। फिर आगे बात करते हैं कि सपोज आप एमसीए देना चाहते हैं, राइट,
मान लीजिए एक एक पर्टिकुलर कोर्स की बात करें, क्योंकि इम्पीटस गुरुकुल से जुड़े हुए तो एमसीए वाले बहुत काफी बच्चे होते हैं, तो मान लीजिए आप एमसीए देना चाहते हैं तो एमसीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऐसे ही बाकी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी भी मिलेगी। अगर आप एमए करने वाले हैं, एमएससी करने वाले हैं, बीए करने वाले हैं, सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियरली दी हुई है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से पहले आप क्लियरली पहले अपनी इन्फॉर्मेशन देखिए, फिर फॉर्म फिल करिए। तो अगर मैं बात करूं एमसीए की, तो एमसीए की एलिजिबिलिटी है बीसीए, ध्यान दीजिएगा, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। यानी बहुत क्लियरली समझिएगा कि बाय चांस जिन बच्चों के, एक और बात मैं बोलता हूं कि बाय चांस किसी बच्चे का अगर 60% नहीं है तो जेएनयू उसके लिए एक तरह से लाइफलाइन जैसा होता है। क्यों? क्योंकि बीएच डीयू तो नहीं दे सकता, पर वो जेएनयू दे सकता है। जेएनयू में 55% मांगे जाते हैं। तो क्या डिग्री है, सुनिए ध्यान से, बीसीए यानी बीसीए वाला बच्चा डायरेक्ट एलिजिबल है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, और ध्यान से सुनिए, बीएससी वाला भी एलिजिबल होता है, बीकॉम वाला भी एलिजिबल होता है, बीए वाला भी एलिजिबल होता है। जैसे कई बच्चे मुझे फोन भी करते हैं, बात भी करते हैं कि सर मेरा बीए है तो क्या मैं एमसीए कर सकता हूं, 11th 12th में मैथ्स था, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा, बीएससी बीकॉम बीए विद मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, यानी अगर आपकी 12th में है और ग्रेजुएट लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पे भी अगर 1 ईयर है तो आप कंसीडर किए जाएंगे। यानी जेएनयू एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है उन बच्चों के लिए जिनके लेस देन 60% हैं और जो बाय चांस निम सेट नहीं दे पाते। 60% वालों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, बट निम सेट या एनआईटी के थ्रू एमसीए करना मच बेटर देन जेएनयू, क्योंकि अगर हम इंटर्म और प्लेसमेंट की बात करें तो जो प्लेसमेंट एनआईटी में मिलेंगे उस लेवल के जेएनयू में नहीं मिलते, बिकॉज केवल एक सिंगल टेक्निकल कोर्स है एमसीए, बाकी सभी कोर्सेज टेक्निकल नहीं है, पर प्लेसमेंट तो होता ही है, ओपन प्लेसमेंट भी होता है। मतलब अगर आप जेएनयू के पास आउट स्टूडेंट हैं और मान लीजिए आपका क्लोज कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आप अगर जेएनयू की डिग्री लिए हो तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिलने में प्रॉब्लम नहीं जाती है। बट अगर हम निमसेट एलिजिबल हैं तो मेरा कहना है प्रायोरिटी निमसेट को यानी एनआईटी को दीजिए। पर अब किसी कारण से आपके सपोज 60% नहीं बने, या आपका मान लीजिए बीकॉम है, या क्योंकि बीकॉम वाले नहीं दे पाते निमसेट, या मान लीजिए आपका बीए है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा जेएनयू एक ऑप्शन होता है, जो मैं बोलूंगा एक जेएनयू ऑप्शन अच्छा होता है और एक बीएचयू, उन लोगों के लिए स्पेशली जो बीकॉम या बीए वाले बच्चे होते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट की है इसमें जो मुझे बतानी थी, कि अगर आप एमसीए के लिए को देना चाहते हैं तो आपको बीसीए या बैचलर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, यानी बीसीए वाले के साथ 12th मैथ्स नहीं मांगते, ना बीसीए का मैथ्स मांगते, इसलिए क्लियरली बीसीए लिखा। और अगर बीएससी बीकॉम या बीए अगर 12th में मैथ्स है तो एलिजिबल है, या फिर ग्रेजुएशन लेवल के 1 ईयर में हो। अच्छा, वो बच्चा जो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में है और बीए बीकॉम कर रहा है और वो एमसीए देना चाहता है, तो मैं बोलूंगा आप लोग 12th मैथ्स का एक सेपरेट ब्रिज कोर्स के थ्रू एग्जाम होता है, वो जरूर दे दें, उससे आपको काफी एडवांटेज होगा। अच्छा, जो लोग एमसीए के अलावा कोई और कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या कोई और कोर्स करना चाहते हैं यूजी या पीजी में, एमएससी वगैरह कुछ भी, वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देखें। तो ये इंफॉर्मेशन देने का केवल एक इतना सा पर्पज था कि जो नोटिस प्रेस रिलीज करी है वो बताऊं और आप अकॉर्डिंग टू नोटिस अपने आप को तैयार कर लें। तो एमसीए वाले बच्चों को मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसको 8 अगस्त के बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 27 अगस्त तक की डेट है, काफी समय है, और बाकी लोग चाहें तो पहले भी फिल कर सकते हैं। यानी 27 जुलाई से, फिर से एक बार समरी बना रहा हूं, 27 तारीख से लेके हमारे पास 27 अगस्त तक टाइम है फॉर्म फिलिंग का। एग्जाम डेट जो है वो सितंबर 20 से स्टार्ट है। जो इसका एड ऑन सिलेबस है, मैं कहूंगा आप अगर 8 अगस्त के बाद भी पढ़ना चालू करेंगे तो अगस्त से सितंबर आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा, 1 मंथ से ज्यादा आप कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट है, तो मैं आप सभी बच्चों को ये सेशन इसलिए लिया मैंने, और मैं आप सबको एक बार फिर बोलूंगा कि आप फॉर्म फिल करने से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके सारी इंफॉर्मेशन केयरफुल पढ़िएगा और उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।